वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही रहे हैं आज के दिन हमारा बजट अनाउंस हुआ है, तो चलिए फ्रेंड्स इस बजट के मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आम जनता को इस बजट से क्या फायदा होने वाला है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को अमृत काल के नाम से संबोधित किया है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस अमृत काल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले देख सकते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत देखा जाए तो 2.2 ट्रिलियन रुपीज का ये ट्रांसफर किया गया है फंड को, तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला किसानों को। और वहीं देखा जाए तो भारत वर्ष का फाइनेंशियल ईयर 23 का ग्रोथ रेट देखा जाए तो 7% के अप्रोक्स में देखने को मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिकल कंट्रीज से काफी ऊपर है। इस बजट की सबसे बड़ी खबर ये फ्रेंड्स, आने वाले समय में 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है फ्रेंड्स। इससे पहले 5 लाख तक का होता था, अब ये बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो मिडिल क्लास को बहुत ही बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि अब 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसा कि सीतारमण जी ने कहा है, हमारी सरकार ने 2014 से कोशिश की है कि सभी नागरिकों को जीवन स्तर बेहतर हो और प्रति व्यक्ति आय डबल से ज्यादा बढ़कर 1.97 लाख रुपीस पहुंच चुका है। और उन्होंने आगे कहा कि 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज के बारे में वित्त मंत्री ने बताया है कि इस पैकेज के तहत पारंपरिक कलाकारों या शिल्पकारों की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उनकी क्वालिटी बेहतर होगी बल्कि उनके प्रोडक्ट को MMME वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और ब्रांड प्रमोशन भी मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए भी कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाले समय में KYC की जो प्रक्रिया होती है वो भी आसान होने वाली है फ्रेंड्स। पीएम आवास योजना का खर्च देख सकते हैं फ्रेंड्स, 66% बढ़ाकर जो कि 79,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। इस बजट में रेलवे को भी ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स 2.40 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, ये अब तक का सबसे ज्यादा बजट है। इसके अलावा पूंजी निवेश का खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि GDP का 3.3% होगा। और जो भी महामारी से प्रभावित MSME सेक्टर है उनको भी राहत दी जाएगी फ्रेंड्स। इस बजट में ये भी घोषणा किया गया है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक वाहन हो गया या ऑटोमोबाइल्स हो गए, खिलौने हो गए या देशी मोबाइल हो गए, वो सारे सस्ते होंगे। और इसके अलावा चिमनी हो गया, कुछ मोबाइल फोन्स, कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब महंगे होंगे फ्रेंड्स। वही इस बजट में लिखा है तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिला है फ्रेंड्स, उनको भी अच्छा खुशखबरी मिला है, क्योंकि अब वरिष्ठ नागरिकों के जो खाता स्कीम है उनकी सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक की जाएगी। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए भी बजट योजना की घोषणा की है, इसमें महिलाओं को 2 लाख की बजट पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इस बजट में राज्य सरकार के लिए भी फायदेमंद हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जो 50 सालों का जो ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता था उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पैन कार्ड को लेकर भी वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन कार्ड टैक्स फाइलिंग के लिए यूज किया जाता था। वित्त मंत्री ने इस बजट में 7 लक्ष्य बताए हैं फ्रेंड्स, जिसे इन्होंने सप्तर्षि कहा है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आ गया, रीचिंग द लास्ट माइल हो गया, इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया गया, अनलीजिंग द पोटेंशियल हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया, यूथ पावर हो गया, और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। फिर इसके अलावा देख सकते हैं पीएम प्रणाम स्कीम के तहत इसमें इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स के यूजेस को बूस्ट किया जाएगा। और इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स 35,000 करोड़ का कैपेक्स जो एलोकेशन दिया गया है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और ये कौन कौन से एरियाज में यूज होने वाला, ज्यादातर ग्रीन फ्यूल हो गया, आपका ग्रीन एनर्जी हो गया, ग्रीन फार्मिंग हो गया, ग्रीन मोबिलिटी हो गया, तो पूरी तरह से ये कैपिटल ग्रीन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए है। और ग्रीन सेक्टर में देखा जाए फ्रेंड्स गोवर्धन स्कीम के तहत भी इसको फायदा दिया जाएगा, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ रुपीस का किया जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को 4,692 करोड़ दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट ब्रीफ देख चुके हैं इस बजट का।